प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर के विद्यार्थियों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि नियमित रूप से बच्चों को, अभिभावकों को, समुदाय को व शिक्षकों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने के लिए जरूरी है कि विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर प्रेरित किया जाए, जिससे कि बच्चे स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सके। वहीं इस संबंध में BSC रामेंद्र सिंह ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक करते हुए कहा कि शिक्षा ही विकास का आधार है, जिसको देखते हुए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे बच्चे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना सीखेंगे और एक अच्छा नागरिक बनेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर के प्रधानाचार्य इंद्रावती सिंह और BSA रामेंद्र सिंह एवं जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आप लोगों से अभी सवाल भी पूछा जाएगा, इसलिए शांत रहो और ध्यान से सुनो, ठीक है? जो दिखाया जा रहा है वो शांति से देखो, सुनो और समझो। सवाल आप लोगों को जो पूछा जाएगा वो बताना है, ठीक ना? भाई भारत माता की जय, माता की जय। आइए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक गीत के साथ। अरे बंधन छोड़ के आ, ये सन्नाटा छोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ, ये सन्नाटा छोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ, ये सन्नाटा छोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ, मंजिल पर आराम मिलेगा, मंजिल पर आराम, मंजिल पर आराम मिलेगा, मंजिल पर आराम, मंजिल पर आराम मिलेगा, कुछ चल के कुछ दौड़ के आ, ये सन्नाटा छोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ, ये सन्नाटा छोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ, लहरों को कश्ती कर ले तू, लहरों को कश्ती कर ले, लहरों को कश्ती कर ले तू, लहरों को कश्ती कर ले, लहरों को कश्ती कर ले तू, तूफानों को मोड़ के आ, ये सन्नाटा छोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ, ये सन्नाटा छोड़ के आ, सारे बंधन तोड़ के आ, इंसानों में शामिल हो तू, इंसानों में शामिल हो, इंसानों में शामिल हो तू, इंसानों में शामिल हो, इंसानों में शामिल हो तू, इंसानों में शामिल हो, इंसानों में शामिल हो तुम, इंसानों में शामिल हो, इंसानों में शामिल हो तुम, शेख ब्राह्मण छोड़ गया, ये सन्नाटा छोड़ गया, सारे बंधन तोड़ गया, ये सन्नाटा छोड़ गया, सारे बंधन तोड़ गया, भाई नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो भाई, बात छोटी सी की पर समझ न आई, बात छोटी की है योजना बनाई, इसलिए नाटक की है योजना बनाई, चले आओ चले आओ चले आओ भैया, चले आओ चले आओ चले आओ भैया, प्यारे प्यारे बच्चे जो आके बैठे हैं, हाँ तो ठीक है, पर अभी अभी तो गाने शुरू हुए थे, तुम दोनों बीच से काहे निकल आए? भाई देखो नाटक के बीच बीच में हम संदेश भी देते हैं। हाँ भैया, ये सब छोटे मोटे प्यारे प्यारे बच्चे नहीं हैं। तब फिर क्या है? अरे ये सब तो महाज्ञानी, महाध्यानी, अरे महापंडित और भैया महामाया भी लोग हैं। अरे वाह, माया महाठगनी हम जानी रे जानी रे जानी, ओ माया महाठगनी। अरे प्यारे प्यारे बच्चे सब जानते हैं। हाँ, और हम सब कलाकार हैं। मतलब की बात अगर नाच गाकर सुनाए तभी मानते हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, अरे पहले तुम्हें कहानी तो सुनाओ। अच्छा तो तुम सुनोगी? हाँ। कहानी और आप भी सुनेंगे कहानी? बिल्कुल, हम सुनेंगे भी कहानी और इन बच्चों के साथ में देखेंगे भी कहानी। तो बच्चों तुम लोग भी सुनोगे कहानी? हाँ तो सुनो बच्चों। एक समय की बात है, एक गांव में दो हाथों का जन्म हुआ और गांव ज्वार में खुशियां आई और ढोल मदिरा बोल बढ़ गए, उम्र की सीढ़ी झट से चढ़ गए, पढ़े लिखे खेले कूदे बने आदमी।
आज्ञाकारी। पर एक कमी थी उन हाथों में और कमी थी भारी। अरे माई बापू सबे सिखाए नहीं सिखाए साफ सफाई। हाँ और साफ सफाई छूट गई तो मुश्किल हुई हजार। यार दोस्त सब काम ना दुश्मन बने हजार। सिर्फ दुश्मनी। हाँ भैया दुश्मन अब हम करेंगे मतलब की बात। सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी और मेरी वजह से घर घर में तिरही की पूरी बटी। मैं हूँ कीटाणुओं का बाप इस सदी की सबसे बड़ी महामारी। आओ आज बार गले मिल लेते। अरे बस एक बार गले मिलते। अच्छा गले नहीं मिलना तो एक काम कर एक बार इसको हम छू के आते ठीक है। ए रुक हे भगवान इसको क्या हो गया। अरे भैया होना क्या था बीमारी से हो गई यारी अस्पताल से हो गया प्यार। का ही साथ है क्या दवा कर ऊपर से भारी। अब क्या होगा होना क्या है तन मन सब खोना ही था परिवारों में हर पल रोना धोना ही था। अरे तभी उस गांव में एक चमत्कार हुआ। चमत्कार? हाँ भैया उस गांव में एक नया सवेरा हुआ और वहाँ एक सुपरमैन आया। सुपरमैन हरी टोपी वाला सुपरमैन। दीवानो इसे पहचानो कहाँ से आया ये है कौन ये है कौन ये है कौन ये है सुपरमैन। तू कैसा सुपरमैन है भैया हमने तो सुना है सुपरमैन वो लाल कच्चे वाला होता है ना और मेरी वजह से 2 साल से लोगों की लाल हुई पड़ी थी। अब होगा महासंग्राम। तभी बदलेंगे हालात। मेरा नाम इंद्रावती सिंह प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर नगर क्षेत्र गोरखपुर। ये स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ये एड्रा इंडिया की तरफ से प्लान इंडिया की तरफ से स्वच्छता पर जो है ये जागरूक किया जा रहा है बच्चों को कि हम अगर स्वच्छ रहेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और स्वच्छ रहने में हाथों की भूमिका सबसे ज़रूरी है। इसलिए हम बार बार हाथ धोएं हर बार हाथ धोएं। हाथ धोएंगे तो हम इन महामारी से बहुत हद तक बच सकते हैं। इस पर नाच कर गा कर और नाटक द्वारा हमारे बच्चों को जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग अभिभावकों को जागरूक करते हैं क्योंकि शिक्षा ही सभी विकास का आधार है। अगर कोई शिक्षित नहीं है तो विकास उतना मायने नहीं रखता। तो हम लोग सभी अभिभावकों को भी जागरूक करते हैं कि बच्चे जब शिक्षित होंगे तो स्वच्छता सीखेंगे पर्यावरण को सुरक्षित रखना सीखेंगे एक योग्य नागरिक बनेंगे और अपने राष्ट्र का विकास करेंगे। माध्यम से विद्यालय में जागरूक किया जा रहा है छात्रों को स्वच्छता। हाँ नियमित रूप से बच्चों को अभिभावकों को समुदायों को और शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए संदेश देने के लिए ज़रूरी है कि विभिन्न घटकों में विभिन्न सामाजिक मुद्दों पे उनको प्रेरित भी किया जाए। नुक्कड़ नाटक अच्छा साधन होता है इसलिए इसका आयोजन किया जा रहा है और नियमित रूप से उनको व्यवहार परिवर्तन बच्चों को स्वच्छता की ओर जागरूक करना ये सब कार्रवाई हो रही है।